Always feel so lonely when the day is through. I'm in the spotlight, 9 on to midnight. I want somebody to hold my hand, 'cause I got my head in. Hello and namaste friends, welcome back. कैसे हैं आप सब? I hope आप सब बहुत ही अच्छे होंगे. आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज मैंने इस वीडियो के अंदर काफ़ी सारे सिंपल और प्रैक्टिकल हैबिट्स और टिप्स इंक्लूड करे हैं जिनकी वजह से किसी भी होममेकर को ये गिल्ट नहीं होगा कि ये काम हमसे टाइम पर हो नहीं पाया, घर को हम लोग मैनेज नहीं कर पा रहे हैं. अगर मैं कर सकती हूँ अपने 2 छोटे बच्चों के साथ तो फिर आप सब भी कर सकते हैं क्योंकि अल्टीमेटली हम सब के पास दिन में 24 घंटे ही हैं. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग से वीडियो को. पहले मैं सोचती थी मैं क्यों जल्दी उठूं अगर मेरा ब्रेकफास्ट और बच्चों के लिए लंच बनाने का जो टाइम है वो सिर्फ आधा घंटा मुझे चाहिए तो मैं क्यों जल्दी उठूं, अपनी नींद ख़राब करूं. पर फिर मैंने एक दिन देखा कि अगर मैं अपना टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा स्ट्रेच करती हूं तो मुझे भाग भाग के घर के कोई भी काम नहीं करने पड़ रहे हैं, ना बच्चों के लिए पानी गर्म करना, ना लंच बनाने में. और एक मील प्लानिंग भी रहती है दिमाग में कि कल मुझे क्या बना के देना है बच्चों को, उनकी ड्रेस वगैरह रेडी कर देना, सब कुछ मतलब एकदम टाइम पे चलने लग गया. तो थोड़ा सा अगर पहले उठने लग गई हूँ तो उससे मुझे ही स्ट्रेस कम हो रहा है, मेरा ही फायदा हो रहा है. तो फिर ये हैबिट मैंने अपने अंदर ज़रूर चेंज करी. पहले जब मेरा अलार्म बजता था मैं उसे ज़रूर स्नूज कर देती थी, 8 मिनट के लिए स्नूज हो जाता था, फिर वापस बजता था, फिर 8 मिनट के लिए, और मैं बिल्कुल उस टाइम पे उठती थी कि हाँ अब तो बस उठना ही पड़ेगा क्योंकि इससे लेट हुई तो खाना टाइम पे नहीं बन पाएगा. आप लोग डेफिनेटली ट्राई करके देखिएगा, बिना स्नूज करे अलार्म के जिस टाइम बजता है उसी पे उठ के देखिएगा, सुबह बहुत अच्छी लगेगी आप लोगों को. एक तो ये माना जाता है मिसकंसेप्शन कि जो लोग जिम में जाते हैं उन्हें ही प्रोटीन वगैरह लेने की ज़रूरत पड़ती है, बट वी एज होम मेकर्स, वी एज मदर्स, हम लोगों को काफ़ी सारा ऐसा दिन भर में काम करना पड़ता है जिसकी वजह से हमें भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहती है अपनी बॉडी में, जो कि हमारी इंडियन डाइट इतना अच्छे से आप लोगों को दे नहीं पाती है क्योंकि हर कोई प्रोटीन रिच डाइट नहीं लेता है. मैं 1 महीने से ले रही हूँ फाइटिका प्रोटीन टू बूस्ट माई एनर्जी लेवल, जिसकी वजह से मैं पूरा दिन एक्टिव रहती हूँ. फाइटिका डेली प्रोटीन के अंदर हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट मिलता है 50% का पर सर्व. उसके साथ साथ 37 एसेंशियल आप लोगों को विटामिन्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, अमीनो एसिड है, बहुत सारे आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं इसके अंदर, मुरिंगा, अश्वगंधा. अश्वगंधा आप लोगों को पता ही है स्ट्रेस लेवल हमारा कम करने में काफी हेल्प करता है. इट हैज नो एडेड शुगर एंड माल्टोडेक्सट्रिन फ्री ऑल्सो. वेट मैनेजमेंट में भी ये आप लोगों की काफ़ी हेल्प करेगा. तो इतनी सारी इसकी क्वालिटीज़ देखने के बाद ही मैंने इसके ऊपर ट्रस्ट करा एंड मुझे रिजल्ट भी मिले हैं काफ़ी अच्छे. आप लोगों को परफेक्ट ब्लेंड मिलता है मिल्क प्रोटीन का, वे प्रोटीन का, डाइजेस्टिव एंजाइम्स का. मैं इसे दिन में 2 बार लेती हूँ, 1 बार सुबह 1 बार शाम को. 200 ml दूध के अंदर 1 स्कूप में मिलाती हूँ. आप लोग इसे पानी के साथ भी ले सकते हैं बट बेस्ट रिजल्ट के लिए आप लोग इसे दूध के साथ ही कंज्यूम करें. प्रोडक्ट का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, डेफिनेटली आप लोग इसे चेकआउट कीजिएगा. मैंने काफ़ी बार ये देखा कि लोग डिफरेंट टाइप की रेसिपीज़ ट्राई करते हैं अपने बच्चों के लंच में, ब्रेकफास्ट में बना के देने के लिए. उससे हम लोग कुछ टाइम के लिए वेरिएशन ला पाते हैं. सैटरडे संडे आपने बना दी, पर जो आपका रूटीन बच्चों का लंच जाता है उस टाइम पे हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि हम लोग सोचें कि हाँ उस रेसिपी में क्या डाला था, उन्होंने वो कैसे बनाई थी. तो इसीलिए मैं हमेशा से बिल्कुल सिंपल और ऐसा ब्रेकफास्ट या लंच उनके लिए बनाती हूँ जो कि मेरे लिए भी ईजी हो, मेरा भी स्ट्रेस ना बढ़े कि मैं रेसिपी कैसे, और बच्चों के अंदर भी जो प्रॉपर न्यूट्रिशन जाना चाहिए खाने के थ्रू वो चले जाए. अगर मेरी तबीयत ख़राब नहीं है तो आई ऑलवेज़ मेक श्योर कि मैं खुद अपने बच्चों को ड्रॉप कर कर आऊँ, उन्हें पिक कर कर आऊँ. इससे बच्चों के साथ हमारा कनेक्शन और बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है. किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहने की बजाय आप लोग खुद अपने घर के काफ़ी सारे जो काम हैं वो करके देखिएगा, आप लोगों को इंटरनल हैप्पीनेस मिलेगी. For me, my internal happiness is my fitness and also my plants.
पहले मैं सोचती थी कि आज मेरा मूड ठीक नहीं है, चाहे वो किसी भी छोटी सी बात से ही हो या फिर कोई बड़ी बात हो, तो मैं सोचती थी मुझे अकेले रहना है, मुझे किसी से बात नहीं करनी है, मैं बस खुद में रहूँगी और मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ आज, मैं बस उसी एक बात के बारे में सोचती रहूँगी। बट ये जो मेरा कंसेप्शन था, इसकी वजह से मैंने देखा कि ये तो मेरी हेल्थ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। क्या फ़र्क पड़ता है, आप उस बात के बारे में चाहे कितना भी सोच लीजिए, जो होना है वो होके ही रहेगा। तो बेटर है आप लोग अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए, अच्छे से रेडी होके रहिए, पूरा दिन आप लोगों को फ्रेश फील होगा। तो ये छोटी सी बातें हैं, बट एज अ होममेकर हम लोग काफ़ी सारा स्ट्रेस ले लेते हैं। आपके जैसी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपने घर को मैनेज कीजिए, ऑर्गेनाइज कीजिए। कई बार हमारा ऑर्गेनाइजेशन फेल होता है, कई बार हम लोगों ने ऐसी चीज़ें परचेज़ करी हैं जिन्हें रखने का कभी प्रॉपर ऑर्गेनाइज़र नहीं मिल पाया। DIY बना सकते हैं आप लोग डेफिनेटली, पर अगर आप लोगों का इस तरीके के ऑर्गेनाइजर्स में काम आसान हो रहा है, आप लोगों को मेंटेन करना ईजी लगता है, तो डेफिनेटली आप लोग भी कुछ इस तरीके के आइटम्स परचेज़ कर सकते हैं जिनसे आप लोग अपने घर को बिना स्ट्रेस के ईजी वे में मैनेज कर पाए। तो DIY ऑर्गेनाइजर मैंने आप लोगों के साथ कई बार शेयर करे हैं अपनी ड्रेसिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए, बट मुझे अमेजोन पे काफी कम रेट के अंदर इस तरीके का ऑर्गेनाइजर मिला था और मुझे लगा कि हाँ इसकी क्वालिटी तो अच्छी है, इसे वॉश किया जा सकता है, बार बार रीयूज कर सकते हैं और कितने सारे मैं इसके अंदर सेक्शन बना सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास काफी सारा मेकअप का सामान है। मुझे ये सारी चीजें कलेक्ट करना भी पसंद है, मैं अलग अलग ब्रांड्स को ट्राई भी करती रहती हूँ, तो मेरे पास काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर मैं ऑर्गेनाइज वे में रखूँगी ना तो मुझे देखने में अपीलिंग लगती है। अपनी ड्रेसिंग ड्रॉअर काफ़ी सारे नेल पेंट हैं, अभी भी मैं 2 नए लिप ग्लॉस लेकर आई हूँ जूडियो से, तो इनको भी मुझे ट्राई करना था आज। तो इस तरीके से मुझे ये चीज़ें कलेक्ट करना पसंद है, यूज़ करना पसंद है, अच्छे से रेडी होके रहना पसंद है। तो ये सारी चीज़ें अगर प्रॉपर वे में देखिए ऑर्गेनाइज रखेंगे तो कितना अच्छा लगेगा आप लोगों को, आप लोगों का स्ट्रेस वैसे ही कम हो जाएगा। ट्राई करके देखते हैं लिप ग्लॉस कैसा है। अच्छा लगा मुझे, डेली यूसेज के लिए काफ़ी अच्छा है, कोई कलर नहीं है, बस हल्का सा ग्लॉसी रहेगा। आप लोग अपने घर में कुछ चीज़ें ऐसी रखिए जो कि थोड़ी सी आप लोगों को ऐसा लगे कि मल्टीपर्पज़ वे में मैं उसे यूज़ कर सकती हूँ। जैसे कि ये राउंड वुडन ट्रे है, ये मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आई क्योंकि मैं इसे सर्विंग ट्रे के लिए भी यूज़ कर सकती हूँ जब गेस्ट आए, मैं इससे अपने घर को डेकोरेट भी कर सकती हूँ, मैं इसे सेंटर टेबल पर भी रख सकती हूँ एक सेंटर पीस ऑफ अट्रैक्शन बनाने के लिए। तो आप लोग अपने घर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वाइब्स खुद क्रिएट कीजिए, आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। हमारे पास ऐसा बहुत सारा सामान होता है जिसके लिए हम लोग अगर प्रॉपर ऑर्गेनाइज़र यूज़ करते हैं, एक प्रॉपर उसे जगह देते हैं, तो यूज़ करने के टाइम पे बहुत कम परेशान होते हैं। अगर आप लोगों को ये पता होगा कि मेरी कौन सी साड़ी का ब्लाउज़ मैंने कहाँ रखा है, प्रॉपर कैटेगरी बना रखी है, तो ब्लाउज़ को ढूंढने में कभी परेशानी नहीं आएगी। और कौन सा हम लोग एक साड़ी का जो ब्लाउज़ होता है उसी को उसके साथ पहनते हैं, अब हम सब मिस मैचिंग करते रहते हैं, वाइट के साथ ब्लैक पहन लिया, मैरून के साथ ब्लू पहन लिया। तो इस तरीके से मेरे पास भी काफ़ी सारा कलेक्शन है साड़ी का। किसी दिन आप लोगों को अगर मैं अंडर बेड ऑर्गेनाइजेशन दिखाऊंगी तो उस दिन आप लोगों को मैं अपनी सारी साड़ी भी दिखाने वाली हूँ, बट अभी के टाइम पे मेरे पास जो ब्लाउजेस थे बस मैंने उन्हें जो भी मेरे पास घर पे मिलता था मुझे ऑर्गेनाइज़र उसके अंदर मैं रख देती थी, पर फिर भी मुझे बहुत टाइम लगता था उन्हें ढूंढने में, उनकी प्रेस भी ख़राब हो जाती थी, छोटे फोल्ड करने पड़ रहे थे। तो बहुत ही प्यारे प्यारे ब्लाउज़ हैं, बहुत ही टाइम और पैसे इन्वेस्ट करके हम लोग उन्हें स्टिच करवाते हैं, तो मैंने सोचा कि इनके लिए एक प्रॉपर मेरे घर पे जगह होनी चाहिए और मैं बिना किसी स्ट्रेस के इन्हें आराम से यूज़ कर पाऊँ। तो देखिए बड़े ही प्यारे प्यारे मेरे पास ब्लाउज़ हैं और जब ये इन्हें मैं अच्छे से रखूँगी तो मुझे इनको यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो क्यों ना हम लोग अपने घर के ऐसे छोटे मोटे सामान जो कि आप लोगों की या तो आंखों से दूर रहते हैं या फिर सामने होते हैं और हमें आलस आता है उन्हें यूज़ करने में, तो उनको आप लोग एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके देखिएगा। एक बार आप लोग करके देखिएगा, आप लोग डेफिनेटली उन चीज़ों को यूज़ करने लगेंगे, आप लोगों को उन चीज़ों से प्यार भी होगा। तो मैंने आज अपने सारे ब्लाउजेज, पार्टी वियर, नॉर्मल ब्लाउजेज, पैडेड ब्लाउजेज तीनों की कैटेगरी बनाई और उन्हें इस ऑर्गेनाइज़र के अंदर अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करा।
तो यहाँ पर टाइम ज़रूर जाएगा, पर दिन भर में आप लोग कोई ऐसा काम ज़रूर ढूंढ के रखें कि आज मुझे अपने घर का या अपने वार्डरोब का, अपने बच्चों का कोई भी एक सेक्शन ऑर्गेनाइज करना है और परफेक्टली ऑर्गेनाइज करना है। अपना एक वीकली क्लीनिंग रूटीन ज़रूर बना के रखिए। घर के ऐसे कई बार डेकोर आइटम्स होते हैं जिन्हें ऊपर रखा हुआ है, सोफ़ा सेट होते हैं, ये ऐसी भारी चीज़ें होती हैं, बड़ी चीज़ें होती हैं कि आप लोग डेली क्लीनिंग उनकी नहीं करेंगे क्योंकि बहुत टाइम जाता है। तो हफ्ते के अंदर सैटरडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे कोई भी दिन आप लोग चूज़ कर सकते हैं और उस दिन बस आप लोगों को 15 मिनट लगेंगे, सारे सोफ़े क्लीन कर दीजिए, अच्छे से झाड़ के उन्हें बिछा दीजिए, जो भी डेकोर पीसेज हैं, फ़ोटो फ्रेम्स हैं घर पे, क्लॉक्स हैं, क्लॉक के पीछे भी अगर आप लोग उतार के देखेंगे तो कई बार जाले मिलते हैं, तो एक दिन ऐसा दे दीजिए कि हाँ आज तो मुझे सिर्फ 10-15 मिनट बच्चे स्कूल से आने वाले हैं, उससे पहले ये सारे काम कंप्लीट करने हैं। और फिर देखिए आप लोगों को कितना अच्छा लगेगा, एक एक कमरे का एक एक पार्ट आप लोग इस तरीके से जब कवर करते रहेंगे तो बहुत इजीली हम होम मेकर्स अपना रूटीन फॉलो कर पाएंगे। तो जल्दी उठने वाली आदत और इस तरीके का क्लीनिंग रूटीन बनाना, ऑर्गेनाइजेशन का रूटीन बनाना, इन छोटी छोटी हैबिट्स ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है अपने लाइफ में। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को यूज़फुल और हेल्पफुल लगा होगा। अगर लगा था तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज इस चैनल पे पहली बार आए थे, वीडियो को पहली बार देखा है तो जाने से पहले ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम टू स्टे अपडेटेड रिगार्डिंग माई पर्सनल लाइफ, जो भी मैं वहाँ स्टोरीज पोस्ट करती हूँ। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले विथ लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम दैट मिस्टेक ट्रंक, टेक केयर एंड बाय बाय। ऑल्सो आज अगर मेरी वीडियो में आवाज़ आप लोगों को थोड़ी भी गड़बड़ वगैरह लगी थी तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। आई एम गोइंग थ्रू RCT जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पेन है, और फिर भी मैंने कोशिश करी कि आप लोगों को प्रॉपर वीडियो के अंदर आवाज़ सुनाई दे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।